इस प्रकार से हमें बताया है कि देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड 2a, ठीक है, एंड मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एम के जी एट ईच वर्टाइसेस, ये सभी 1 mmkg के पार्टिकल्स है, तो इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास बता दो। देखो स्टेप वन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर दो। आगे क्या करना होता है सर? कोऑर्डिनेट्स ले लो। कोऑर्डिनेट्स ले लो, बहुत बढ़िया। बता दो क्या कोऑर्डिनेट बता पाओगे? यस सर। एक सेकंड, दिस इज एक्स, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये 2a है, ये साइड 2a है और हाइट भी 2a है, तो मेरा कॉमन सेंस कहता है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में एट a, a रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे अभी लगता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, देखते हैं ऐसा ही है क्या। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? ओरिजिन है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो कॉमा, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, मैं एक्स एक्सिस पर 2a आगे गया, 0.2a, अरे ये x वैल्यू है ना, एक्स एक्सिस पर मैं आगे गया हूँ, तो ये 2a x का रहेगा, y के हिसाब से मैं अभी 0 पर हुई हूँ, z के हिसाब से मैं 0 पर ही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो I am on y axis, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y 2 रहेगा, जेड जीरो रहेगा। I am on जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड की वैल्यू 2 है। अब देखो ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है मतलब इसका वाई जीरो रहेगा, जेड की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू भी 2 है, तो दिस इज 2a, 0, 2a। ये पार्टिकल वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड, तो इसका x 0 रहेगा, y 2a, z 2a, ये xy प्लेन में है, तो x 2a, y 2a, z 0, और ये x किसी भी प्लेन में नहीं, ये 3 डायमेंशन में है, तो देखो इसका x ये 2a रहेगा, इसका y ये 2 रहेगा, और ये z भी 2a रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2a, 2a, 2a। अब देखो मैं सिर्फ एक निकालता हूँ, इनको नंबर दे देते पहले, दिस इज 1, 2, 3, 4, ठीक है, देन 5, 6, 7, 8। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहने वाला है? m x1 m1 x1 plus m2 x2, ऐसा कब तक जाएगा? mn तक क्यों, अभी n थोड़ी है, अभी तो 8 ही पॉइंट्स है ना, 8 ही वर्टाइसेस है, m8 x8 अपॉन सभी के सभी मासेस की एडिशन, M8 है, ठीक है। अब मास तो सब जगह M है, तो M कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में अंदर सभी के X कोऑर्डिनेट की एडिशन, सो 0, 0, 2a, 2a। ऐसा ही 5 के लिए X 0 है, 6 के लिए x 0 है, 7 के लिए 2a है, 8 के लिए 2a है। और 8 कोऑर्डिनेट पर 4a अपॉन
आठ कोऑर्डिनेट पर आठ एम मासेस है, सबकी एडिशन कितनी आ जाएगी? 8m. ये देखो ये 4a नहीं ना बाबा, 2a प्लस 2a 4a, 2a प्लस 2a 4a, टोटल 8a, mm कैंसल, 8a अपॉन 8, ये आने वाला है a. सिमिलरली y का करोगे तो भी ऐसा ही आएगा. देखो y के लिए अगर करते हैं, y1 0, y2 की वैल्यू 2a, y3 की वैल्यू 2a, y4 0, तो 2a 2a 4a हो गया. ऊपर y5 0, y6 2a, टोटल 6a, y7 2a 8a, 8 में y8 ये 0 आ गया, सो 8a, ये भी सम 8a आ रही है y के लिए. z के लिए भी ऐसा ही आएगा, z1 0, z2 0, z3 0, z4 0, z5 2a, z6 2a, z7 2a, z8 2a, 2a plus 2a 4a, 6a 8a. तो जैसे हमने कहा था कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, मतलब a कॉमा a कॉमा a यहाँ पर रहने वाला है, क्या सही है क्या? ठीक है. अब देखो, अब आपको इन क्वेश्चंस में घुमाते हैं. जैसे अब देखो, मैं थोड़े से मॉडिफिकेशन करूं. यस सर. अब कैसे करेंगे? सर जो वर्टिकल दोनों साइड है वो तो सिमेट्रिक रहेगी. वर्टिकल दोनों मतलब कौन सा एक्सिस के अलोंग? ये जेड और वाई कंपोनेंट वाली, और ये यहाँ पे जो या ऑपोजिट साइड है वर्टिकल. नहीं, एक वन बाय वन बताओ मुझे कौन सी. ये 6m. हाँ 6m. 6m. हाँ. और वो 2m 2m, ये एक वर्टिकल साइड. हाँ. और यहाँ की 7m 5m और 3m और m, ये एक वर्टिकल साइड. ओके, मतलब आपका ऐसा कहना है क्या कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जाता हूँ तो देखो यहाँ पर टोटल मास कितना है? 12m प्लस 5m प्लस 3m प्लस m, कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16. यहाँ पर कितना है? 6 और 16 है. 12, 12 और 2 14 और 2 16. सो दिस इज 6m प्लस 6m प्लस 2m प्लस 2m 16m. मतलब z एक्सिस पर लेफ्ट में भी 16m है, राइट में भी 16m है. z के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इसके हाफ डिस्टेंस पर रहेगा. क्या ध्यान में आ रहा है क्या हम क्या कह रहे हैं?
देखो इतना अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप होना चाहिए। अब थोड़ा सा जेड एक्सिस के हिसाब से सोच कर देखो, 7 और 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। नीचे देखो 3m प्लस m कितना आ जाएगा, 3m प्लस m 4m 8m। सो जेड एक्सिस के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस प्लेन के हिसाब से निकाल लेते हैं, मतलब अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर देखो 7m प्लस 6m 13 प्लस 2 15 प्लस 1 16, और यहां पर देखो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16। सो अगर इस साइड में आप कंसीडर करते हो तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2, यहां लिखूंगा मैं 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, ये 16m आ जाएगा, ठीक है। और इधर लिखता हूं 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14 प्लस 2 16, ठीक है। दिस इज y, y x x z z। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, रहा सवाल z कोऑर्डिनेट का। बस अब z कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, निकाल पाएंगे? निकाल लो। कहा रहेगा z कोऑर्डिनेट, निकाल लो। इसका मतलब आपको ये ध्यान में आया क्या, x कोऑर्डिनेट और आपका y कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो सेंटर ऑफ मास जहां कहीं पर भी रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट 2a, सॉरी x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट a, z वेरी हो सकता है। इसका मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास ये इस वर्टिकल लाइन पर कहीं ना कहीं रहने वाला है, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन का सभी जगह पर x कोऑर्डिनेट फिक्स है, सभी जगह पर y कोऑर्डिनेट फिक्स है, यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में, मतलब इस साइड में अगर इस प्लेन के तरफ जाता हूं या इस साइड में इस प्लेन के तरफ आता हूं तो मास सिमेट्रिकल है, इधर जाता हूं या सामने आता हूं इधर तो भी मास फिक्स है। सो सेंटर ऑफ मास यहां पर लाए होने वाला है। अब ये आसान हो गया, दिस 24m ये कहीं तो ये 2a वाले प्लेन में है, दिस 8m ये 0 वाले प्लेन में है। सो सेंटर ऑफ मास जेड कोऑर्डिनेट 6 से आता है। 6 से कैसे आएगा भैया, ये तो 2a का है ना, इसके बीच में ही रहेगा कहीं ना कहीं, 6 से नहीं आएगा। देखो दिस इज जस्ट लाइक अलोंग z एक्सिस अगर कंसीडर करते हैं तो 8m एट 0, 24m एट 2a और टोटल मास ऑफ सिस्टम 24 प्लस 8 32m। अब ये तो 0 आ गया, ये चला गया, ये m और a, m कैंसिल। अब 24 2 48, 48 upon 32, if I am not wrong ये सभी 16 के टेबल में है, so 16 3 16 2 3 by 2 times of a,
थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ ए, ऑब्वियसली ऊपर ज्यादा मास है तो वन थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ ए इतने डिस्टेंस पर, मतलब सेंटर से ऊपर यहाँ पर थ्री बाय टू ए इस पोजिशन पर सेंटर ऑफ मास रहना चाहिए। ये तब आपको ध्यान में आएगा जब आप ठीक से कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे, आपको सेंटर ऑफ मास मतलब मास का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फील आ रहा है, और उसके बाद अगर आप ये करोगे तो आप फटाक से इसे कर सकते हो, नहीं तो सबके लिए ये करना पड़ेगा। करके देखना है सबके लिए, क्या सही में कोऑर्डिनेट ऐसे आते हैं क्या? मैं अभी लिख लेता हूं, जेड सेंटर ऑफ मास विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। फिर से यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यही मासेस लेंगे और इस प्रकार के प्रोसेस से ये तीनों को निकाल कर वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा कहना है, जो मुझे लग रहा है वो सही है या नहीं, ठीक है, करते हैं। चलो देखो ऐसा करके देखते हैं ना, तब जाकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। आप कहोगे सर हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो स्टेटमेंट याद रखते हैं और उसका पूरा मीनिंग हमें समझना चाहिए, याचा अर्थ यूट्यूब वर पाहून स्वयंपाक शिकले आणि कॉन्ट्रॅक्ट घेतला, एकही पदार्थ व्यवस्थित होणार नाही। चलो कोऑर्डिनेट लिख लू पहले, 2a 2a साइड है, तो दिस इज 0, 0, 0 ये x एक्सिस है, ये y, ये z, ठीक है, दिस इज 2a 0, 0, ये y एक्सिस है तो 0, 2a, 0, ये z एक्सिस है तो 0, 0, 2a, ये एक्स जेड प्लेन है तो 2a y 0 रहेगा, 2a, ये yz प्लेन है तो x0 रहेगा, ये xy प्लेन है तो z0 रहेगा, कौन बचा है सिर्फ ये 2a, 2a, 2a। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन क्लास 8-9 में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल पहले जैसे मासेस लाते हैं, 7, 5, 3 m, सात पांच तीन एम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 6m, 6m, 2m, 2m, सही है क्या? 6, 6, 2, 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट वही के वही रहेंगे, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, एक्सिस अगर सेम है, एक्स जेड और वाई वही है, एक्स जेड और y वही के वही है। चलो नंबर के हिसाब से मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज 1, 2, 3, 4, इसे 5 कहा है, 8, 6, 7, 8, ये पॉइंट मास आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको मैं सिर्फ थोड़ा छोटा कर देता हूं, मतलब कैलकुलेशन के लिए जगह मिलेगी।
एक सेंटर ऑफ मास। अब डायरेक्टली लिखे ना m1 x1 ऐसा 8 तक जाना है, नीचे सभी मासेस लिख लेता हूं। बताइए वन बाय वन, m1 पर कितना मास है, m2 पर 3m, 3 पर 2m, 4 पर 2m, आगे 5 पर 7m, 5m, 6m प्लस 6m, और ऊपर देखो 1 के लिए m1 इज m, x1 इज 0, ठीक है। अब 2 के लिए 3m, x की वैल्यू 0, 3 के लिए 2m, x की वैल्यू 2a, 4 के लिए मास 2m, x की वैल्यू 2a, 5 के लिए लिखते ऊपर वाला मास 7m, x कोऑर्डिनेट 0, 6 के लिए लिखते हैं मास 5m, x कोऑर्डिनेट 0, 7 के लिए लिखते हैं मास 6m, x कोऑर्डिनेट 2a, 8 के लिए लिखते हैं मास 6m, x कोऑर्डिनेट 2a। अब इतनी एडिशन कर लो फटाक से और बता दो। पहले तो टोटल मास कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20 प्लस 6 26 प्लस 6 32। देखो 0 0 0 0 ये टर्म तो वैसे ही चली गई, 2m इंटू 2a 4ma प्लस 4ma प्लस 6 टू जा 12ma प्लस 6 टू जा 12ma, ठीक है। 4 प्लस 4 8, 12 प्लस 8 20 प्लस 12 32, 32ma, 32m ऊपर के 32m नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा A। ऐसा ही y के लिए लिखते हैं। y सेंटर ऑफ मास m1, m इंटू y1 है 0, दूसरा मास है 3m, y कोऑर्डिनेट है 2a, तीसरा मास है 2m, y कोऑर्डिनेट है 2a, चौथा मास है 2a, y कोऑर्डिनेट है 0, पांचवा मास है, कौन सा है पांचवा, एक सेकंड ना, पांचवा मास है 7m, y कोऑर्डिनेट 0, सही है। सिक्स मास है आपका 5m, y कोऑर्डिनेट 2a, सेवंथ मास है 6m, y कोऑर्डिनेट 2a, एट्थ मास है 6m, y कोऑर्डिनेट 0, 1 2 3 4 चले गए। अब नीचे का मास मैं एक एक नहीं लिखूंगा, सभी मासेस की एडिशन 32m है, ये हो जाएगा 3 टू जा 6ma प्लस 4ma प्लस 5 टू जा 10ma प्लस 6 प्लस 2 12ma अपॉन 32m, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32ma अपॉन 32m y कोऑर्डिनेट आ गया a, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू a, सही है क्या, y सेंटर ऑफ मास a आ जाएगा। अब सिर्फ z निकालना बाकी है, अब z निकाल लेते हैं।
यही लिखना पड़ेगा। टोटल मास 32 m, ठीक है। एम वन वन, जेड कोऑर्डिनेट जीरो। अब देखो एक्चुअली ये सभी नीचे के जो चार है उनके जेड कोऑर्डिनेट जीरो है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। इनको लिखू या ना लिखू चलेगा क्या? लिख लेता हूं। ऊपर देखते हैं पांचवा क्या है, 7m इंटू 2a, 6 देख लेते हैं, 5m इंटू 2a, 7th 6m इंटू 2a, 8th 6m इंटू 2a। देखो ये सभी को देखोगे आप तो नीचे के तो जीरो है, 7 टू जा 14, 5 टू जा 10, 14 प्लस 10 प्लस 6 टू जा 12 प्लस 12 एम ए बाहर। और नीचे आ जाएंगे 32 m। अब एम एम कैंसल, 14 प्लस 10 24 प्लस 12 36 प्लस 12 48, 48 अपॉन 32 a, 48 अपॉन 32 a इज 3/2 a। किसी भी रास्ते से जाओ आपका आंसर वही आने वाला है, 3/2 a। अब जिसको ये समझा है वो इन तीन इक्वेशन में आंसर बताएगा, जिसको ये ध्यान में नहीं आया है उसको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब मुझे 110% पता है आप में से कुछ लोग इतने टैलेंटेड है कि कभी कोऑर्डिनेट आज तक लिखे ही नहीं है, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आएगा, पर आप कहोगे कि सर हम कोऑर्डिनेट भी नहीं लिखेंगे, हम कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और हमें पूरा आना चाहिए, तो ऐसी जादू तो अपने पास नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा ऐसा? Yes, ठीक है, ये आना चाहिए, करके देखना चाहिए। ऐसे काफी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखो अब मैं और एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछता हूँ, उसे जरा समझकर सॉल्व करना। Thank you.
हाँ देखो अगर आता है क्या कुछ एक सेकंड है, एक चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ देखो तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। हमें देखकर ध्यान में आ गया इस प्लेन में जो मास है 3 और 2 5 और ये नीचे का 5 दिस इज 10 ठीक है। यहां पर देखते हैं 4 और 2 6 6 और 4 10 सो इस साइड में अगर 4 मीटर डिस्टेंस है तो इसका सेंटर में आने वाला है ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप कंसीडर कर लोगे एक्स वाई जेड तो आपको x कोऑर्डिनेट तो फटाक से मिल गया, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 मीटर। अब देखो z प्लेन में देखते हैं 3 और 2 5 4 और 2 6 6 और 5 11 ऊपर है 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 9 नीचे है तो z के हिसाब से सिमेट्रिक नहीं है। जरा y के हिसाब से देख लो 3 और 1 4 4 और 4 8 और 3 11 11 यहाँ पर है और पीछे वाले प्लेन में रहेगा 4 और 2 6 और 2 8 1 9 ठीक है। तो ये बाकी एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं है तो जेड का निकाल लेते हैं। इतना ही है ना कि ये जो पूरा प्लेन आपको दिख रहा है हमारा ये वाला प्लेन इस प्लेन में इसका सेंटर ऑफ मास है। ये जो 4 बॉडीज है जिसका मास 11 आ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास इस प्लेन में रहेगा ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है अभी। तो देखो मैं कहता हूं जेड सेंटर ऑफ मास आएगा जेड के हिसाब से सॉरी पहले वाई के हिसाब से निकालते हैं। इस साइड में कितना है 11 कहां पर सिचुएटेड है 2m पर इस साइड में कितना है 9 कहां पर है 0 पर टोटल मास कितना है 11 और 9 20 तो ये आ जाएगा 22/20 दैट इज 1.1 मीटर। ऐसा ही जेड निकाल लेते हैं नीचे कितना है देखो जेड एक्सिस के हिसाब से अब ये दो प्लेन कंसीडर करने पड़ेंगे ये नीचे वाला जिसमें ये 9 है और ये ऊपर वाला जिसमें 11 है
ठीक है, तो लिख लेते हैं Z सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 11 मास कितने डिस्टेंस पर है, हाइट देख लो 1 मीटर, 11 इंटू 1, 9 कहां पर है, 0 पर, ये प्लस साइन है। टोटल मास कितना है, 11 और 9, 20, क्या आ जाएगा ये 11 बाय 20, दैट इज 11 बाय 20 आ रहा है, हाँ 11 बाय 20 दैट इज 0.55 मीटर, सही है। सो देखो हमारा कहना है, जिसको आप भी एग्री हो जाओगे, एक्स के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर, मतलब ऐसे किसी लाइन पर, वाई के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास 1.1, मतलब सेंटर से थोड़ा सा इधर, और जेड के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास 0.55, मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे लाइन पर आएगा। तो अगर हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये सभी मासेस एक प्लेन में है, तो डेफिनेटली चार जो है, 3, 2, 4, 1, इनका सेंटर ऑफ मास ऊपर वाले प्लेन में आएगा, इसलिए हमने कहा 11 का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस प्लेन में आने वाला है। नीचे के जो 9 है उनका सेंटर ऑफ मास नीचे वाले प्लेन में आएगा। सो जस्ट लाइक 9 सिचुएटेड इन दिस y इक्वल टू 0, 11 इज सिचुएटेड एट z1 इक्वल टू 1, 11 इज सिचुएटेड एट z1 इक्वल टू 1, 9 इज सिचुएटेड एट z इक्वल टू 0। बाकी x और y की चिंता हमने ऑलरेडी करके रखी है, ठीक है। सो इस प्रकार से एक एक को ना करते हुए आप आराम से इसे सॉल्व कर, ठीक है।